और कब घटी है? ये कल 11:30 बजे रात की घटना है। एक मुखिया प्रत्याशी को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। जी हां, सारण जिला के तरैया प्रखंड के माधोपुर पंचायत में मुखिया पद के प्रत्याशी को बुधवार की रात्रि में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। अपराधियों की गोली से मुखिया प्रत्याशी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी हालत में उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए रेफरल अस्पताल तरैया में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था में छपरा रेफर कर दिया। वहां से भी गंभीर अवस्था में देख पटना PMCH रेफर कर दिया गया। जख्मी व्यक्ति माधोपुर गांव निवासी पूर्व मुखिया स्वर्गीय जवाहर राय के 26 वर्षीय पुत्र व माधोपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सोनू कुमार यादव हैं। जानकारी के अनुसार सोनू बुधवार की रात्रि में अपने घर से सगुनी समर्थकों को पहुंचाने गए थे। घर वापसी में शामपुर अरदेवा के बीच गंडक नदी बांध पर शामपुर प्राथमिक विद्यालय के समीप एक बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधियों ने उसको पीछा करके गोली मार दी। अपराधियों की गोली से गंभीर रूप से जख्मी सोनू को तत्काल रेफरल अस्पताल तरैया में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे गंभीर हालत में PMCH पटना रेफर कर दिया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी प्राप्त कर जांच में जुट गई है। घटना के संबंध में तरैया थाना अध्यक्ष राजीव रंजन कुमार सिंह ने बताया कि बाइक सवार अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारी गई है। अब तक पीड़ित का बयान नहीं मिल पाया है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। तरैया से न्यूज 4 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये कल 11:30 बजे रात की घटना है, जो हम अपने कार्यकर्ता को छोड़ने सगुनी जा रहे थे और छोड़ने के बाद जब हम वापस आ रहे थे शाम को ढाला के पास, कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद दो युवक एक अपाची बाइक से वहीं पे खड़े थे और मेरा भगीना दो बाइक से थे लोग, वो आगे था और हम पीछे की ओर थे और जैसे वो आगे की ओर क्रॉस किया तब तक वो मेरा बाइक जैसे क्रॉस किया तब तक वो लोग मेरे ऊपर फायरिंग कर दिया। गोली कहाँ लगी है? मेरे राइट। किसी के ऊपर संदेह भी है? नहीं, संदेह तो नहीं है, बट अज्ञात रखा गया है, बड़ा उससे बात हुआ है। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम सोनू कुमार यादव।